कितनी टीम थी आपके साथ कवर बनाने में? मेरे साथ बच्चे लगे हुए थे, इसमें हिंदू मुस्लिम सबका सहयोग था। आ चुका हूँ एम्बुलेंस पर, एम्बुलेंस आप मेरे पीछे देख सकते हो, पूरा का पूरा एम्बुलेंस इस टाइम पे हैंग कर दिया है, पूरा का पूरा एम्बुलेंस हैंग है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा अब सारी की सारी जानकारी दूंगा किस तरीके से पूरा का पूरा एम्बुलेंस हैंग कर दिया गया इस टाइम पे। शंकर भगवान की जय। सबसे पहले मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा हमारी समिति के अध्यक्ष ईशांत कश्यप जी, हमारे पंडित जी, जिनके सहयोग से ये सारा काम हो पाया। और अगर मैं बात करूँ कांवड़ की, हमारी कांवड़ जो है सिर्फ 15 दिन में तैयार की गई है। हमारे बड़े भाई हैं गौरव जी, जो कि सदर में ही रहते हैं, उनके द्वारा इस कांवड़ को तैयार किया गया है। और साथ ही साथ इसमें मेरे कुछ छोटे बड़े भाई हैं जो कि केले वाली कोठी से भी हैं, रजबन से भी हैं, मतलब कि सबके सहयोग से इस कांवड़ को बनाया गया है। कांवड़ को बनाने में हर उस चीज़ का प्रयोग किया गया है जिससे जो हमारे शंभू से, हमारे भोलेनाथ से जुड़ी है। और अगर मैं बात करूं बुलडोज़र कांवड़ की, तो बुलडोज़र का जो आइडिया है वो हमारे योगी बाबा जी के बुलडोज़र के हिसाब से ही हमने इस आइडिया को कांवड़ में लाया गया। और साथ ही साथ इसलिए हमने कांवड़ में बुलडोज़र का प्रयोग किया गया क्योंकि जैसे कि हमारे बाबा का बुलडोज़र हर जगह तहलका मचा रहा है और हर जगह चल रहा है, तो उसी के हिसाब से हमने कांवड़ में बुलडोज़र लगाया कि जिससे हो सकता है कि हमारी कांवड़ में बुलडोज़र हमारे लिए कारगर साबित हो। भैया जैसे हरिद्वार से चले आप मेरठ तक पहुंच गए और यहां तक पहुंचने में काफ़ी जगह आप रुके भी, जैसे रुड़की रुके, मुजफ्फरनगर रुके, तो जगह जगह कैसा उत्साह आपको देखने को मिला जब लोगों ने बुलडोज़र वाली कावड़ देखी आपकी? देखिए अगर मैं उत्साह की बात करूं तो लोगों का उत्साह जो है वो हरिद्वार से शुरू हो गया था। भीड़ हमारे साथ हरिद्वार से लेके मेरठ तक भीड़ नहीं टूटी। जब हम हरिद्वार पहुंचे तो हरिद्वार के जो हमारे शिव भक्त हैं वो हमारे साथ थे इस कांवड़ को देखने के लिए। ऐसे ही रुड़की में थे, रुड़की में भी हमारा बहुत अच्छा स्वागत किया गया। मुजफ्फरनगर में भी हमारे पंकज भाई हैं जिनका ये साउंड है, डीजे कर्णवाल, वो एम न्यूज़ के मालिक हैं, उन्होंने भी हमारा बहुत सहयोग किया। और मेरठ में तो मैं क्या कहूँ, मेरठ में तो शिव भक्त जो है सिर्फ हमारे साथ ही थे और हजारों नहीं लाखों के थे। बाबा की सभी कांवड़ें सभी अच्छी हैं, लेकिन हमारा मोटिव ये था कि हरिद्वार से लेकर मेरठ तक एक कांवड़ का नाम ऐसा हो कि जो पूरे हिंदुस्तान में दिखाई दे और पता चले कि हाँ एक कांवड़ हरिद्वार से मेरठ के शिव भक्त लेके आ रहे हैं, जिस कांवड़ का नाम बुलडोज़र। ऐसे शिव भक्तों ने हमें प्यार दिया, हमारा सहयोग किया, तो हमने भी धुआंधार पेशकश के साथ जैसे जैसे शिव भक्तों ने हमसे कहा वैसे वैसे हम चलते गए और हम उनके साथ उनका सहयोग देते गए। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि पिछले 15 वर्षों से हमारी समिति ऑफ शिव सदर कांवड़ सेवा समिति शिव भक्तों के लिए हर साल कुछ नया करती है, कुछ यूनिक करती है। तो आने वाले कई वर्षों तक, जब तक हमारे भोलेनाथ की, हमारे शंभू की इच्छा है, कई वर्षों तक हमारी समिति ऐसे ही आपको कुछ नया देगी, कुछ यूनिक देगी और हर बार इसी तरह से डीजे कर्णवाल आपको ताबड़तोड़ पेशकश देगा। की पहली ऐसी कावड़ जो उत्तर प्रदेश सरकार को समर्पित की जा रही है बाबा योगी आदित्यनाथ के कार्यों को देखते हुए, महादेव की यह कावड़ योगी आदित्यनाथ जी को समर्पित है जो बुलडोज़र कावड़ है। समिति का तह दिल से धन्यवाद, छोटे बच्चों का तह दिल से धन्यवाद, समिति के अध्यक्ष का तह दिल से धन्यवाद और डीजे कर्णवाल का तह दिल से। शंकर भगवान की जय। जयकारा, बीज भरेंगे राम महादेव। जयकारा।